सीता जी ने जब रंगभूमि में पैर दिया तो स्त्री पुरुष देख करके सम्मोहित हो गए। और बाबा तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि मोहिन नार नार के रूपा, अरे पन्नगार यही रीति अनूपा। स्त्री कभी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, है? पर बाकी स्त्रियां सीता जी को देख करके कैसे मोहित हो गई है? यहाँ पगधारी भगवान प्रभु श्री राम को बताया गया, बताया कि जब ही सनार अहिल्या नारी, अरे जब ही सनाम पढ़ो का उद्धार किया है भगवान ने, पापर भगवान का नाम पड़ा पगधारी। तो यहाँ पर सीता जी को नहीं बल्कि भगवान प्रभु श्री राम को देख करके सभी स्त्री पुरुष जो है मोहित हो गई। अब महाराज इधर जब जनक जो है इन्होंने कहा कि सुनो ये बताओ इतने राजा महाराजा आए हुए हैं और धनुष तोड़ने आए हमारा मुंह देखने आए। बोले हम तो धनुष तोड़ने आए, मुंह देखने क्यों आए है? तो बोले 5:30 बज चुके हैं, 6 बजे विवाह का मुहूर्त है, है और अभी तक धनुष नहीं टूटा, क्या करोगे? अब तो एक एक करके सभी राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए जाने लगे। अब एक राजा धनुष के नजदीक जाता है तो पूरी ताकत लगाता है, पसीना को छोड़ करके पुनः वापस लौट आता है। अब दूसरा जो फिर धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है और जो वापस लौट करके आया है वो ये नहीं सोच रहा है चलो हमसे धनुष नहीं टूटा तो इससे टूट जाना चाहिए है? क्योंकि वही काम हो जाए, विवाह हो जाए, लेकिन वो ये सोच रहा है कि हमसे धनुष नहीं टूटा तो इससे भी नहीं टूटना चाहिए है? क्योंकि अगर हमारे घर में कोई काम बिगड़ गया तो पड़ोसी के घर में पहले बिगड़ना चाहिए है? एक एक करके सभी राजा महाराजा गए लेकिन धनुष जब नहीं टूटा, अंत में नंबर आया रावण का। रावण बाणासुर को लेकर के धनुष तोड़ने के लिए पहुंचा। भोले बाबा तीसरा नेत्र खोले बैठे हुए, कहा कि देखो रावण तुमने अगर धनुष छू लिया तो हमारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा देखा तो रावण ने धनुष को नहीं छुआ। बाणासुर से कहा कि चलो, बाणासुर बोले आए तो थे धनुष तोड़ने के लिए, मुंह ऑफ हो गया, बोले अब नहीं तोड़ना है, है? अब नहीं तोड़ना बोले ना। तो रावण जो है बाणासुर को लेकर के आए अपने स्थान पर बैठ गए। अब जितने भी राजा महाराजा थे सभी ने विचार किया कि जब रावण ने धनुष नहीं तोड़ पाया तो रावण कितना बलशाली और कोई यहाँ पर है ही नहीं, तो अब धनुष नहीं टूट सकता है। अब
ही नहीं सकता है। तो महाराज जनक जो है अटकर के खड़े हुए, कहा कि तजयासन जन जग जाऊ, आप चल करके अपने अपने घर जाइए, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है धनुष को तोड़ना। एक राजा खड़ा हो गया, बोले उसमें हमारी क्या गलती है कि लिखा न पिति पैदे उबिबाऊ, सीता जी के कर्म में विवाह ही नहीं लिखा ब्रह्मा जी ने। तो बोले तो ब्रह्मा जी से पूछ लो विवाह होगा कि नहीं होगा। बोले ब्रह्मा जी आपने सीता जी के कर्म में विवाह क्यों नहीं लिखा। बोले विवाह तो होगा, धनुष भी टूटेगा, लेकिन तुम जैसे मूर्खों के हाथ से नहीं टूटेगा। है बोले तो युद्ध होगा, और महाराज जनक आप यदि बीच में बोले तो आपसे भी युद्ध होगा। अब तो महाराज एक राजा खड़ा हो गया, बोले महाराज ये तो सब बातें हैं, लेकिन अभी तो हम एक एक करके गए हुए थे, अब महागठबंधन बना करके जाएंगे तब धनुष टूटेगा। तो 10,000 राजा जो है धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे। अब महाराज जब धनुष के नजदीक पहुंचे हैं, अच्छा उस धनुष की करामात थी कि जो भी धनुष में लग जाता था उसके वजन वजन को अपनी तरफ खींच लेता था, आकार भी अपना बढ़ा लेता था। अब 10,000 राजा जब धनुष में लग गए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं लग गए, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब तो महाराज जनक जो है सर को पकड़ करके बैठ गए, बोले हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है अब मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रहेगी। हम तो जानते थे पृथ्वी पर वीरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज पता चला इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। कि पीर विहीन मही में जानी, और अब जनक माथो भटकानी। सर को पकड़ करके बैठ गए, विचार किया है अब मेरी बेटी सीता का विवाह नहीं हो सकता, मैंने ये प्रतिज्ञा गलत ही ली थी, ये संकल्प मैंने गलत धारण किया था, अब मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रहेगी। तो पापर राम लक्ष्मण जो विश्वामित्र बैठे हुए थे, तो ये बातें सुनकर के लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, नेत्र लाल लाल हो गए, और जब नेत्र लाल लाल हो गए पूरा शरीर कांपने लगा। जब शरीर कांपने लगा है तो राम ने देखा, अच्छा लक्ष्मण बोले क्यों नहीं, बोले इसलिए नहीं क्योंकि बड़े भैया प्रभु श्री राम बैठे हैं और गुरुदेव बैठे हुए हैं, और बड़ों के सामने छोटों को बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा धर्म कहता है। तुम्हारा लक्ष्मण नहीं बोले, राम ने जब लक्ष्मण की तरफ निहारा तो कहा कि कुछ कहना चाहते हैं, बोले हाँ बिल्कुल, बोले तो ठीक है कह लो तुम भी कह लो। तो लक्ष्मण उठ करके खड़े हुए, कहा कि क्या कह रहे महाराज जनक, आपके पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है, है? अगर हमें गुरु जी की आज्ञा मिल जाए और अपने बल से नहीं भैया प्रभु श्री राम के बल से मैं धनुष को एक छत्रक दंड की भांति तोड़ दूंगा। बोले छत्रक दंड क्या होता है, आप लोगों ने देखा हो बरसात जब होती है तो खेतों की मेड़ पर उगते हैं जैसे बोलते हैं ककरमत्ता है, बोले उसकी भांति हम धनुष को तोड़ देंगे, वो भी अपने बल से नहीं भैया प्रभु श्री राम के बल से। गुरु की